हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पिछले वर्ष TST में एक केमिस्ट्री का सवाल पूछा गया था, ठीक ना। केमिस्ट्री के लिए आपको हम ऐसे सवाल जो TST परीक्षा में पूछे गए हैं वन बाय वन करके देते रहेंगे और उसका परफेक्ट सलूशन देंगे आपको, जिससे परीक्षा में आप कम समय में जल्दी से कर लें। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं, यानी सोडियम परमाणु के आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना हमको है। तो हमको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और जब इसका EC निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्या हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में होगा तो n का मान कितना होगा, 3 होगा। n का मान कितना होगा, 3 होगा। अब L का मान निकालना है, तो L का मान के लिए हमको पता है कि अगर S में इलेक्ट्रॉन होगा तो 0 होता है, P में इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 होता है, D में इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 होगा, और F में इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, S में है, तो L बराबर क्या होगा, 0 होगा। और जब L बराबर 0 होगा तो हमको पता है कि M का जो मान होता है वह L के मान पर डिपेंड करता है। जब L का मान 0 होगा तो M का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो M बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। अब बात आती है यस की, तो यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल में, यस उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है, स्पिन क्या होता है, अप होता है। इसलिए इसका मान जो होता है यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/2। ऑप्शन चेक करते हैं तो पहले वाले में दिया है एन बराबर 3 मैच कर रहा है, एल बराबर 0 मैच कर रहा है, एम बराबर 0 मैच कर रहा है, यस बराबर +1/2 मैच कर रहा है। दैट इज ए राइट ऑप्शन, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।